नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ शिवम। गोपालगंज ट्रिपल मर्डर मामले को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और सरकार को घेरने का काम किया है। उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया है कि जब बीजेपी अपने ही नेता को न्याय नहीं दिला सकती तो वो जनता को न्याय क्या दिलाएगी। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने क्या कुछ कहा वो सुने, और जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने पहले वो सुने। देखिए, तेजस्वी यादव जी को राजनीतिक अल्बलाइटिस हो गई है। वे अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उनकी जो खोती हुई राजनीति है, उनकी पार्टी में उनकी राजनीतिक पकड़ खत्म होती जा रही है, और महागठबंधन के भीतर जिस तरीके से द्वंद्व की स्थिति उभरी है उसमें तेजस्वी यादव को कोई भी नेता मानने को तैयार नहीं। ऐसे में तेजस्वी यादव भद्वास है, और पकड़ बनाए रखने के लिए तरह तरह के धर्म, जाति और तमाम हथकंडों का प्रयोग करके, आरोप प्रत्यारोप करके, अनर्गल बयानबाजी करके राजनीति की पकड़ को बनाए रखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू और लोजपा, जो हमारा बिहार में एनडीए गठबंधन है, वो न किसी को बचाती है न फंसाती है। अगर तेजस्वी यादव हमारे गोपालगंज के पीड़ित भाई को न्याय दिलाना चाहते हैं, तो मैं तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे अनर्गल बयानबाजी करके सरकार, पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका को धता बता के न्याय दिलाना चाहते हैं, या फिर पुलिस प्रशासन पर भरोसा करके फिर जो न्याय की प्रक्रिया है न्यायपालिका पर भरोसा करके न्यायपालिका के माध्यम से न्याय दिलाना चाहते हैं। वो पहले तय करें, आश्वस्त हो लें, तब राजनीति की बात करें। वो तेजस्वी यादव कंफ्यूज है। मुद्दे को भटकाने की कोशिश ना करें तेजस्वी जी। जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं वो काफी साल पुराना है। दूसरी बात, जो यूपी पुलिस प्रशासन की बात कर रहे हैं वो एक अलग मुद्दा है, और बिहार पुलिस प्रशासन जो गोपालगंज को लेकर जो मामले हुए हैं उसको लेके तेजी से छानबीन भी कर रही है, साक्ष्य और सबूत के साथ कार्रवाई भी कर रही है। एसआईटी का भी गठन हुआ है। मुझे लगता है सब कुछ क्लियर है। आप एक भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। हम एक बार फिर से कहते हैं, ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, यही एकमात्र सच्चाई है। तो आपने सुना, बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद और जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने साफ तौर पे कहा है कि सरकार किसी को संरक्षण नहीं देती है। जो भी उचित कार्रवाई होगा वो जल्द से जल्द होगा। और उन्होंने तेजस्वी यादव पे साफ तौर पे कहा है कि वो अनाप शनाप बयानबाजी लगातार करते रहते हैं। बहरहाल, आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।